मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, एक एक करके इनका रुख करेंगे। अजय दुबे रामपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, ध्रुव मिश्रा हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अजय के पास आपको लेकर चलते हैं और अजय से जानते हैं। अजय, रामपुर मुस्लिम बहुल सीट, जहां मुद्दों से बढ़कर अगर चर्चा किसी बात को लेकर है तो वो आजम खान, और ऐसे में अब जबकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, माहौल क्या है अजय? निश्चित ही रामपुर में जिस तरीके से कल मैंने इंटरव्यू अखिलेश यादव का किया और यही सवाल किया कि आजम खान आपके समय में उनका एक रुतबा हुआ करता था और अब किस तरीके से जो करप्शन और तमाम धाराएं उनको लेकर जेल में, तो अब माहौल पूरी तरीके से अखिलेश का कोशिश, समाजवादी पार्टी की कोशिश यही थी कि जिस तरीके के जो कानूनी पेचों में फंसाया गया उनको, उसको भुनाया जाए। कल जो पूरा जो रोड शो था जिस इलाके से होकर गुजरा, वहाँ पर माहौल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका देखने को मिला। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कांटे की टक्कर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, रामपुर में भी उसी तरीके का माहौल बना हुआ है। रामपुर में भी जो वोटिंग का लोगों का जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा कि क्या प्रदेश में उसी तरीके का मिजाज देखने के लिए मिल रहा है रामपुर में भी। और इस वक्त मुरादाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी उबैद रहमान मौजूद है और आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी दो दिन पहले मैं खुद कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला लेकर मुरादाबाद में मौजूद थी और उबैद रहमान, मैंने खुद वो मुद्दों की गर्मी महसूस की। 2017 अगर बात की जाए तो जिस तरीके का मिजाज था, इस बार चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद मिजाज कैसा है मुरादाबाद का उबैद? जी रुमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो परसों जहां वोटिंग होनी, मुरादाबाद और आसपास का इलाका जो है ये मुस्लिम बहुलक इलाका है और यही वजह है कि आखिरी दिन कल अखिलेश यादव थे तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां पर रहे। आज उन्होंने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में एक अपनी जनसभा की और एक संभल में की। असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ जो मुस्लिम मतदाता वोटिंग करता रहा है, ट्रेडिशनल रहा है, वो चाहते हैं कि MIM के प्रत्याशियों को इस बार जीत मिले। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रणनीति ये की कि आखिरी दिन आखिरी लम्हों में लोगों को अपना पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कोशिश ये की कि जितने भी मुस्लिम मतदाता है जो है वो बेहद दिलचस्प वहां पर बनती हुई और अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और ऐसा ही कुछ हाल जो है वो उत्तर प्रदेश में तो दूसरे चरण के लिए, लेकिन अगर उत्तराखंड और गोवा की बात की जाए तो वहां पर भी तो 14 फरवरी को ही वोटिंग होनी है ना। तो सीधे आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, ध्रुव हमारे साथ मौजूद है। ध्रुव, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रियंका गांधी तक सबने पूरा जोर लगा दिया, उत्तराखंड का माहौल प्रचार थमने के बाद कैसा है? जी बिल्कुल रुमाना, इस वक्त मैं हरिद्वार में हूँ। थोड़ी देर पहले ही अमित शाह जो है यहाँ पर गंगा आरती करके गए हैं और अगर बात करें तो कुमायूं में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है यहाँ पर टिहरी में थे, उसके बाद फिर कोटद्वार में थे। पूरी की ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं झोंक दी थी। आखिरी जो दिन था चुनाव प्रचार का, प्रियंका गांधी भी यहाँ से कुमायूं में थी इस बार जो है, खटीमा और हल्द्वानी में प्रियंका गांधी रैली करके गई है, लोगों से संवाद किया है। जीरो बना ABP News, आपको रखे आगे।